तो आज थी संसद ना बजेट सत्र ना बीजा तबक्का नी शुरुआत थई चुकी छे ने सत्र शुरू थता ज हाल में विपक्ष द्वारा होबाड़ो मचाववामां आवी रह्यो छे। संसद ना बीजा तबक्का नो प्रारंभ 13 मार्च एटले के आज थी थयो छे, जे 6 एप्रिल सुधी चालशे। त्यारे आ पहेला विपक्षी दळो नी एक बैठक पण मळी हती, त्यारे हाल में राहुल गांधी संसद में माफी मांगे तेवो पीयूष गोयले मांग करी छे अने सत्र नी शुरुआत थता ज हाल में संसद में होबाड़ो मच्यो छे। 6 एप्रिल सुधी चालशे बीजा तबक्का नो बजेट सत्र, संसद नु सत्र शुरू थता ज होबाड़ो। सरकार का क्रिटिसिज्म, दुनिया के संसद सदस्य क्रिटिसिज्म स्वीकार करते हैं, के अध्यक्ष से बाहर जाके जो भारत का लोकतंत्र हड़प करने का कोई मजबूत है वो व्यक्ति बाहर होने की आजादी है। बोलते हैं आप एक कीड़े बजाइए, मैं बोलने की आपको इजाजत मांगना चाहिए, आप मेरा बजाइए हाउस में पूरा बजाइए, मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सत्र शुरू थयुं, होबाड़ो मच्यो, विपक्ष अने शासक पक्ष सामने आमने सामने आव्या। तमाम सांसदो जे छे एक बीजा पर आक्षेप प्रति आक्षेप करी रह्या हता अने हाल में संसद जे छे संसदनी कार्यवाही जे छे लोकसभानी कार्यवाही 2 वाग्या सुधी स्थगित करी देवामां आवी छे। संसदनुं सत्र शुरू थता ज होबाड़ो। राजनाथ सिंहे कह्युं हतुं के देशने बदनाम करवानुं राहुल गांधी बंद करे, पीयूष गोयले राहुल गांधी माफी मांगे तेवुं पीयूष गोयले कह्युं। तो आ तरफ राज्यसभानी कार्यवाही चालू छे। अकाउंट्स ऑफ द लोकसभा फॉर द टर्म बिगिनिंग ऑन द 1 May 2023 एंड एंडिंग ऑन द 30 April 2024 and do proceed to elect in such manner as directed by the chairman. તરફ રાજ્યસભામાં કાર્યવાહી ચાલુ છે, તમામ મુદ્દે દિલ્હીથી અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। જી અજય, લોકસભા કી કાર્યવાહી શરૂ હોતે હી સ્થગિત કિયા ગયા 2 બજે તક રાહુલ ગાંધી કે નિવેદન પે। देखिए, निश्चित तौर पे ये पहले से ही तय था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से न सिर्फ 16 दलों की एक बैठक की गई जिसमें सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि अडानी के मुद्दे पे सरकार की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है और इसलिए इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, उससे जवाब लेने की कोशिश करेगी। वहीं पर इस मामले को लेकर के कांग्रेस की भी बैठक हुई और उसी बैठक में ये तय हो गया है कि विपक्षी पार्टियाँ तमाम सारे मुद्दों पर काफ़ी आक्रामक रहेगी। हालाँकि इस सब बैठक से पहले यह कह सकते हैं कि अभी जो संसद में हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी आक्रामक है, क्योंकि विदेश दौरे में जिस तरह राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी काफी आक्रामक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। आज ही उनकी तरफ से कहा गया कि अब लोकतंत्र की लड़ाई या लोकतंत्र का मुद्दा विदेश की धरती पर उठाया जा रहा है, इस तरह से तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर किया। जबकि साध्वी प्रज्ञा की तरफ से भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उन्हें देश से बाहर भेजने जैसे कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट भी दिए गए। तो इसी से तय था कि न सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष काफी आक्रामक रहेगा बल्कि अडानी और खास करके ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर के विपक्षी पार्टियां आक्रामक रहेंगी। और खास करके इसमें टीआरएस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो कई पार्टियां ये चाहती हैं कि महिला आरक्षण भी सदन के पटल पर रखा जाए और महिला आरक्षण जो 33% आरक्षण है उसको पास कराया जाए। तो ये पूरा माना जा रहा है कि आज से जो संसद सत्र की शुरुआत हुई है जो 6 अप्रैल तक चलेगी उसमें विपक्षी पार्टियाँ और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो कोशिशें होती रहेंगी, जहाँ पर सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास कराने की कोशिश हो, वहीं पर विपक्षी पार्टियां तमाम सारे मुद्दों पर घेरने की सरकार को कोशिश करेगी। तो उसी का नतीजा है कि अभी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में या कह सकते आगे के समय में भी इसी तरह से विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो लोकसभा की कार्यवाही तो 2 वाग्या सुधी स्थगित थी चुकी है पर राज्यसभा में थी रही है कार्यवाही। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशियरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफ़ी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफ़ी मांगनी चाहिए। Honorable members, we are here
We are here to hear all sections of the house. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कैसे सुनी आएगी? कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला और उसमें एक बात निचोड़ निकली कि हाउस में एकीकर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए।